Welcome to Commerce Access. I'm Renu and I'm teaching you English here. So this is our second class here of Voices. कल मैंने आपको first class करवाई थी Voices की. अगर आपने नहीं की है तो please अब last class में जाएं और मेरे questions को देखें और समझें कि किस तरीके से हम अपनी class को continue करने वाले हैं. ठीक है? चलिए ठीक है. जल्दी से सारे लोग तैयार हो जाएंगे जो भी मेरी video को देख रहे हैं. और सबसे एक important बात ये है कि जो भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, वो लोग अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखकर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे. ठीक है? एक आलीशान पोज लगाकर नहीं बैठना है, एक टीवी की तरह नहीं देखना है शो को. राइट? तो आप लोग क्या करेंगे, एक आलीशान पोज नहीं लगाएंगे और मेरे साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वॉइसेस. हमने कल क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. मैं आज भी आपको 10 क्वेश्चंस ही करवाऊंगी और नेक्स्ट क्लास में भी 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी. तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम एलिमिनेट करते हुए अपने राइट आंसर पे जाते हैं. ठीक है? आई होप कल की क्लास में मैंने जितना भी आपको समझाया हो वो हेल्पफुल रहे आपके लिए और आप चीज़ों को समझ पा रहे हों. और ये एक और चीज़ है कि आपको एक बार में कोई भी चीज़ नहीं आ जाती है, किसी को भी नहीं आती है. अगर आपको लगता है कि जो मैंने कल आपको बताया वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो प्लीज़ कोई बात नहीं, आप इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि आपके लिए कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो रही है. आप उसको अपनी हैबिट में लेकर आएँ, एक उसका रूटीन बना लें और उसके बाद जब आप उस चीज़ को अपना हैबिट में ला लेंगे तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप उसको यूजुअली यूज़ करने लग जाएंगे अपने सेंटेंसेस में. राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस नाउ. सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 11. द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट. इज रनिंग, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, तो वो ये है, हमें अब इनमें टेंसेस को ध्यान में रखते हुए जाना है. फाइन? तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कौन सी चीज नोटिस की है, इज रनिंग After the rat. The cat is running after the rat. Fine? Okay, बताइए आप मुझे ये कौन सा टेंस है. Which tense is this? This is present continuous tense. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है voices में वो है tenses. आपको उस अपने गिवन सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई करना है और उसी को टेंस को लेते हुए हमने अपने ऑप्शन को सर्च करना है. आपने अगर आपको एक बार पता चल जाता है कि इसमें कौन सा टेंस है, उसके बाद आपका ऑप्शन सर्च करना इजी हो जाता है. दूसरी चीज, जब आप चेक करते हुए जाते हैं टेंस, उसके बाद हम चेक करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट को, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना होता है और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट. ठीक है? ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं. और एक और चीज़ होती है जो कॉन्टिन्यूस में होती है, मैंने आपको बताया था अगर इज रनिंग लिखा हुआ है आपके गिवन सेंटेंस में जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसका ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, इज बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगती है आपकी वर्ब की, तो रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन ही होती है. ठीक है? ओके फाइन. अब हम सर्च करते हैं अपने ऑप्शन को, एलिमिनेशन से करेंगे. ये देखिए वॉज आ गया यहाँ पे, कौन सा टेंस है ये, इट्स अ पास्ट टेंस. और आपको चाहिए कौन सा, प्रेजेंट. तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है. अब एक नज़र में ही आप देख सकते हैं कि ये सारे इज में हैं, तो इन तीनों को हम अब रीड करते हुए जाएंगे. द रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट. क्या आपको ये ऑप्शन सही लग रहा है? यस. देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है. फाइन. और मैंने जैसे कि बताया आपको कॉन्टिन्यूस में इज बीइंग एड हो जाता है, आपकी आई एन जी की जगह इज बीइंग एड होगा, तो द रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट. तो ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो हम इसके आगे क्या ड्रॉ कर लेंगे, फ्लावर. एग्जैक्टली, हम इसके आगे एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे.
अब नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, द रैट इज रन आफ्टर बाय द कैट. देखिए ये सही है लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है. व्हाट्स दैट? बीइंग. यहाँ पे बीइंग होना चाहिए था जो कि मिसिंग है. राइट, अब कोई चीज मिस है तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे. तो ये ऑप्शन थ्री भी हमारा गया. अब नेक्स्ट है द कैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द रैट. अब ये देखिए आप, मतलब मैंने जैसे कल आपको बताया कि कई आपको ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जो एकदम ही सेंसलेस होंगे, एंड दिस ऑप्शन इज वन ऑफ दोस. राइट, ये देखिए क्या ही बोल रहा है, आपके क्या सेंटेंस में दिया हुआ है और ये क्या बोल रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है. तो विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? यस राइट, टू. टू इज द ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद, एंड दैट्स ऑल्सो योर आंसर. द रैट इज बींग रन बाय, रन आफ्टर बाय द कैट, एंड दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो आपको क्या चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखनी है वॉइसिस करते टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है टेंस. इफ यू नो इट यू कैन डू इट. ओके ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12. एंड द क्वेश्चन रीड्स, द पीपल कुड नॉट मूव मी टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर ऑपरेटेड मी एट होम. तो आप लोगों ने ये सेंटेंस पढ़ लिया, द पीपल कुडंट मूव मी टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर ऑपरेटेड मी एट होम. कल मैंने आपको बताया था कि जब हम सेंटेंसेस को कंजेक्टिव से ऐड कर लेते हैं तो हम उनके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. फाइन, अब देखिए हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आगे करेंगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एंड के बाद करेंगे. फाइन, मैं आपको बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ. यहाँ पर कोई भी मैं आपको बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशंस बता बता के नहीं करवा रही हूँ. मैं आपको सिर्फ इजीएस्ट वे में बता रही हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन. राइट, आपको आ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसको करेक्ट मार्क करना है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने रूल्स आते हैं और कितने नहीं आते हैं. हालांकि आपको रूल्स भी पता होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन मैं आपको इजीएस्ट वे टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा. राइट, अब देखिए, आई कुडंट मूव टू द हॉस्पिटल एंड वॉज ऑपरेटेड ऑन एट होम बाय द डॉक्टर. हमने क्या करना होता है, अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी. और यहाँ पे एक चीज और यूज हो रही है, वॉट इज दिस, दिस इज ए मुडाउन. फाइन, आई को हम किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, आई को करते हैं आई में, सॉरी मी को करते हैं हम आई में, और आई को ई में करते हैं वाइस वर्सा, जैसा भी हमको गिवन सेंटेंस दिया हो. फाइन, तो हम यहाँ लिखेंगे आई कुडंट मूव टू द हॉस्पिटल, आई कुडंट ना, राइट. तो इतना तो ये अभी हमको सही लगा है यहाँ पे. और नेक्स्ट है, एंड वॉज ऑपरेटेड ऑन एट होम बाय द डॉक्टर, ऑब्वियसली. ठीक है, यहाँ पे मी एंड बी को, यहाँ पे भी मी आ रहा है, यहाँ पे भी मी आ रहा है, तो हम एक जब कॉन्टिन्यूस यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं कॉन्टिन्यू में, तो हम बार बार आई नहीं लिखते हैं, दैट डजंट साउंड राइट. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमको ये करेक्ट लग रही है. अब कुल मिला के हमें ये ऑप्शन क्या लग रहा है, राइट लग रहा है. तो हम इसके आगे एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं, आई कुडंट बी मूव टू द हॉस्पिटल एंड आई हैड, ये हैड कहाँ से आ गया, आपको हैड कहीं दिया हुआ है इसमें, नहीं दिया हुआ है, सो एलिमिनेट द ऑप्शन. आई कुडंट बी मूव टू द हॉस्पिटल एंड आई वॉज ऑपरेटेड एट होम बाय द डॉक्टर. देखिए ये आपको ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन ये रॉन्ग है. वाई इज इट रॉन्ग, एक बार ध्यान से पढ़िए इसको. आई कुडंट बी मूव टू द हॉस्पिटल एंड आई वॉज ऑपरेटेड एट होम बाय द डॉक्टर. देखिए जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में कहा कि यहाँ पे भी आई लगा सकते थे, हमने लगाए नहीं, बिकॉज इट डजेंट साउंड राइट. और मतलब थोड़ा अजीब हो जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया. जो चीज़ आप इंग्लिश में पढ़ते हैं आप उसको हिंदी में भी बोलकर देखिए अपने मन में, क्या आप बार बार हर एक सेंटेंस के बाद मैं लगाते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही मैं हो जाएगा.
राइट, तो वही चीजें हम इंग्लिश में भी करते हैं. आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए, जितना ऑब्जर्व करेंगे आप उतनी ही ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक तो हम आई को यहाँ पे नहीं रखते तो सही था, और दूसरा यहाँ पर हमारा ऑन मिसिंग है. देखिए ऑपरेटेड ऑन, यहाँ पे ये ऑन मिसिंग है हमारा, राइट, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है हमारा. नेक्स्ट ऑप्शन, आई कुडंट बी मूव टू द हॉस्पिटल बाय द पीपल एंड ऑपरेटेड ऑन एट होम. अब ये देखिए बाय द डॉक्टर कहाँ गया है, यहाँ पे, यहाँ पे दे रखा है, हम अपनी मर्जी से चीजों को नहीं हटा सकते. बाय द डॉक्टर यहाँ पे होना चाहिए था, विच इज मिसिंग हियर, राइट, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ, यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 1 विच इज ऑल्सो योर आंसर. आई कुडंट बी मूव ऑन टू द हॉस्पिटल एंड वॉज ऑपरेटेड ऑन एट होम बाय द डॉक्टर. सो वट काइंड ऑफ टेंस वॉज दिस, दिस वॉज सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, और यहाँ पे कुडंट हमारा मुडाल भी यूज हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया. और एक और चीज़ हम जो बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ. जब भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएगा तो कुड के साथ हमारा प्लस माइनस क्या होगा, बी मुडाल्स के साथ. ठीक है, जैसे हमारा मस्ट हो गया उसके साथ भी प्लस माइनस बी होगा, शुड हो गया हमारा, और जितने भी हमारे मुडाल्स हैं उन सबके साथ ये प्लस माइनस होगा. प्लस माइनस बी मतलब, प्लस माइनस बी मतलब अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन में दिया हुआ है ऑलरेडी भी तो वो माइनस हो जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा. समझ आ रही है, इट्स वेरी सिंपल. मैं आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में सबको समझा रही हूँ, कोई रूल्स नहीं बता रही हूँ आपको, ईजिएस्ट वे बता रही हूँ. फाइन, ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 13 विच रीड्स आई वॉज कॉन्स्टेंटली बींग आस्क्ड फॉर मनी. सेंटेंस आपने पढ़ा, राइट, आई वॉज कॉन्स्टेंटली बींग आस्क्ड फॉर मनी. आप बताइए आप मुझे कौन सा टेंस यूज हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फाइन, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो रहा है यहाँ पर. ओके, हम अपना फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, आई वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर मनी. आप देखिए, आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, हम रियल एसेंस ऑफ क्वेश्चन को क्या नहीं कर सकते, गुम नहीं कर सकते, उसको नहीं हम गवा सकते हैं. तो फिर इसमें ये देख लिए, देखिए लोग मुझसे, इसमें क्या लग रहा है आपको कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं फॉर मनी, राइट. वाइल रीडिंग दिस ऑप्शन व्हाट डू यू गेट द फील, कि मैं लोगों से पूछ रही हूँ फॉर मनी, विच इज रॉन्ग. दे कॉन्स्टेंटली आस्क फॉर मनी. अब देखिए यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस में रखना था, ये कॉन्टिन्यूस में नहीं है, है ये कॉन्टिन्यूस में नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है. आई कॉन्स्टेंटली आस्क देम फॉर मनी, ये भी नहीं होगा. अब नाउ यू लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 4 ओनली, दे वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी फॉर मनी. ठीक है, ये राइट भी है, और आपको मैं बता भी देती हूँ कैसे. देखिए, एक तो यहाँ का आपका वॉस का वर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ये एक चीज़ ये है कि दे ऑब्वियसली यहाँ पे कोई तो पूछ रहा है, एंड दे आर पीपल और कुछ भी हैं, जो भी हैं, समवन इज आस्किंग दिस पर्सन कॉन्स्टेंटली फॉर मनी. तो दे, ठीक है, दे वर, क्योंकि ये प्लूरल में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर आ जाएगा. कॉन्स्टेंटली बींग आस्क, मैंने जैसे कि आपको कल बताया था, अगर बींग आस्क लिखा हुआ है तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आपका आस्किंग में. और जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें था बींग रिकॉर्डेड, आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन याद होगा, उसमें था बींग रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन ऑफ थीव्स. ठीक है, तो उसमें क्या हो गया था, हमारा रिकॉर्डिंग हो गया था. तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा,
फॉर मनी. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है. दे वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी फॉर मनी, राइट. विच काइंड ऑफ टेंस इज दिस? दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 14. And 14 question number reads, people use computers for various purposes. अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है और ये टेंस भी हमारा क्या है, सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस, ठीक है. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं. कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड. आर बीइंग इससे क्या बना देता है इसको, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बना देता है. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. हैव बीन ये हमारा परफेक्ट बना दिया इसने, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर वेरियस पर्पसेस. देखिए क्या होना चाहिए, क्या ये आपको राइट लग रहा है? यस, हमको ये राइट लग रहा है. तो हम इसके आगे एक टिक लगा लेंगे और क्या करेंगे, एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे. अब आगे पढ़ते हैं. कंप्यूटर्स विल बी यूज्ड, ये तो टेंस ही चेंज कर दिया उन्होंने. उन्होंने क्या कर दिया, इसको फ्यूचर कर दिया. हमें प्रेजेंट में ही रखना है चाहे कुछ हो जाए. हम सिंपल को कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, इन्होंने तो प्रेजेंट को फ्यूचर बना दिया, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना. सो एलिमिनेट दिस. सो विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 3 एंड विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर. कंप्यूटर्स आर यूज बाय पीपल फॉर वेरियस पर्पसेस. ओके राइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच रीड्स, डू नॉट इंसल्ट हिम. अगर कोई आपको ऐसी एडवाइस देता है ना, तो वो तो आपको मतलब महान इंसान है. सो लेट्स रीड आवर ऑप्शंस. लेट हिम नॉट बी इंसल्ट. लेट ही, देखिए यहाँ पे हिम आना चाहिए था, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है. देखिए हिम को हम किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ही में, और ही को किस में करते हैं, हिम में. वो किस हिसाब से करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू आर गिवन सेंटेंस. अगर आपको इसमें हिम दिया हुआ है तो आपको ही में ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे ऐसा. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आपने, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूं क्योंकि हम जो यूजुअली सेंटेंस करते हैं हम उसमें यही करते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे. क्योंकि देखिए इसमें हमको एक तो ये एकदम सिंपल सेंटेंस है. आपको इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको रियल एसेंस ऑफ क्वेश्चन नहीं लॉस्ट करना है, ठीक है. उस हम यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि अभी हमारे पास में शायद नहीं है. हम उस थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि उसको हमें इंसल्ट नहीं करना है. डू नॉट इंसल्ट, मत करो उसको इंसल्ट. तो उसको हिम हम हमेशा करेंगे, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड. क्या आपको ये सही लग रहा है? या इट्स राइट, ये आपको सही लग रहा है. तो हम इसके आगे एक फ्लावर ड्रॉ कर लेते हैं. लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड. देखिए जब लेट आ जाएगा तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसमें बी भी ऐड होगा, राइट. ये चीज हमने याद रखनी है. ये जो मैं चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें बताती जा रही हूँ, आप प्लीज़ कहीं पर एक स्टार्टिंग में नोटबुक के वहाँ पे नोट करते हुए चलिए कि जब भी हमारा लेट यूज़ होगा उसके साथ बी यूज़ होगा, मॉडल यूज़ होगा तो उसके साथ भी बी यूज़ होगा, राइट. अब नेक्स्ट ऑप्शन है लेट नॉट ही बी इंसल्टेड. ये देखिए ये तो मतलब ग्रामेटिकली रॉन्ग है. लेट नॉट हिम बी इंसल्टेड तो ये भी नहीं होगा. Let him not be insulted ना, इनकी positions change होनी चाहिए. तो which option you are left with now? Option number 2 only, which is also your right answer. Let him not be insulted. Let not be.
आप ये चीजें नोट कर रहे हैं, लेट के साथ हमने यहाँ पे बी लगाया हुआ है। अच्छा, ये कौन सा टेंस था? इट वॉज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, जो भी लोग अभी इस चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आपको यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू पढ़ा सकूँ, ठीक है। और ये मेरी दूसरी क्लास है, अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें। तो आप जब एक कॉन्टिन्यू में कुछ चीज़ पढ़ाई करते हैं तो वो आपको ज़्यादा समझ आती है। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में चीज़ें ज़्यादा वास्तविक में समझाई है, जो मैं आज समझा रही हूँ। आज तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही करके बता रही हूँ, जो कि आपने मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करने हैं आपसे, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रीड्स, रोजमेरी वॉज मूव्ड टू टीयर्स एट द साइट ऑफ द मिजरेबल बिग बैग, ठीक है। आपने सेंटेंस को पढ़ा, आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसको तुरंत नोट कर लिया। ओके, तो ये कौन सा टेंस है? इट्स अ पास्ट टेंस, और पास्ट में भी ये सिंपल है, राइट। अब आप हम एक ही नज़र में देखेंगे कि कौन सा हमें इसमें पास्ट में नहीं है। एक तो ये वाला पास्ट में नहीं है, ये वाला नहीं है, राइट। तो हम दोनों को ही एलिमिनेट कर देंगे। हैज तो आपका प्रेजेंट में होता है, एंड मूव्स किस में आ जाता है आपका? ये भी प्रेजेंट में आ जाता है, ठीक है। ओके, आप देखिए, द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर मूव्ड रोजमेरी टू टीयर्स, ठीक है। ये आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि एक तो ये पास्ट टेंस पास्ट सिंपल में है, और दूसरा हमने इसमें अपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो भी चेंज कर ली है। तो ये हर चीज़ इसमें अभी क्या है, हमारी राइट है अभी तक। तो इसमें आगे हमने फ्लावर ड्रॉ कर लिया। अब ऑप्शन नंबर फोर्थ में आते हैं, द साइट ऑफ मिजरेबल बैगर हैड, ये पास्ट है लेकिन ये परफेक्ट है। ये कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट है। हमको किस में चाहिए? सिंपल में चाहिए। तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर वन ओनली, एंड विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर। द साइट ऑफ मिजरेबल बेगर मूव रोजमेरी टू टीयर्स, सिंपल पास्ट टेंस दैट वॉज, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द झारखंड हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके एग्जाम में बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा कंपैरेटिव, जो कंपैरेटिवली आप जो अभी तक करते आए हैं उसमें ये आपको लग रहा होगा ये बड़ा सेंटेंस है। इससे भी बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन आपको मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी ये बड़े सेंटेंसेस होते हैं ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते नहीं हैं, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अंडरलाइन करनी है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे कि मैंने पहले ही रीडिंग में इसको अंडरलाइन कर लिया है, और अब मैं बता सकती हूँ ये कौन सा टेंस है। इट्स ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हुए चलेंगे। अब मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। देखिए, इज है ये, तो ये आपको क्या बना देता है? ये इसको सिंपल बना देता है, ठीक है। तो ये सिंपल है? नो, इट्स अ परफेक्ट टेंस। मैंने क्या, जैसे कि आपको बताया है कि आपने गिवन सेंटेंस का एक बार टेंस पता कर लेना है, और बस आपको वही सर्च करते हुए चलना है। सो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। और एक और बात थी कि अगर आपको हैज गिवन है आपके गिवन सेंटेंस में, तो उसके साथ हैज या हैव ट्रांसफॉर्म होगा, और उसके साथ क्या ऐड होगा? बिन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर टू है। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। देखिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो इस सेंटेंस में पूरी हो रही हैं, हो रही हैं। तो हम इसके आगे क्या करेंगे? फ्लावर बना लेंगे। देखिए, आपका जो ये अ मैसिव ट्राइबल प्रोग्राम है, ये था हमारा पहले ऑब्जेक्ट।
गवर्नमेंट जो थी वो थी हमारी सब्जेक्ट, अब इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया है यहाँ पर, यस का हो गया है, हैज़ को ये हमारा परफेक्ट टेंस है, यस हैज़ के साथ बीन ऐड किया गया है, यस किया गया है, तो ओके फाइन, अब हमने इसके आगे एक फ्लावर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है झारखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, द गवर्नमेंट बोला गया है, अननेसेसरी इम्प्रोवाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी सेंटेंस, एलिमिनेटेड, द गवर्नमेंट इन झारखंड हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। देखिए इसमें तो आपको कोई भी जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वॉइस को ट्रांसफॉर्म करने में, इन्होंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है, तो गवर्नमेंट जो हमारा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट ही रहा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहा है, और इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब आप देखिए इन झारखंड आगे ला दिया, दैट्स इट, एलिमिनेटेड, सेंसलेस ऑप्शन। सो विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर टू ओनली, एंड विच इज ऑल्सो योर आंसर। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड, राइट? एंड विच काइंड ऑफ टेंस इज दिस? दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। ओके, व्हाट डज इट रीड? इट रीड्स वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस। सेंटेंस को आपने रीड किया, ओके, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस। देखिए मस्ट जो है क्या है हमारा मोडाल, मोडाल के साथ क्या यूज होगा? प्लस बी यूज होगा, अगर बी आपको गिवन नहीं है इन योर गिवन सेंटेंस, अभी आपको मैंने बताया था, राइट? अब देखिए मस्ट, और दूसरा जो हमने यहाँ पे मोडाल यूज किया है, ये मोडाल जरूर से जरूर हमारे गिवन सेंटेंस में ऑप्शन में होना ही चाहिए। वंस प्रोमिसेस आर कैप्ट रॉन्ग, वेयर इज मस्ट? वंस प्रोमिसेस मस्ट कैप्ट, फाइन मस्ट है लेकिन बी नहीं है, एलिमिनेटेड। वंस प्रोमिसेस वर कैप्ट, वर कहाँ से आ गया इसमें, मस्ट कहाँ गया, एलिमिनेटेड। विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट, ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे बाय वन भी हो सकता था, अगर नहीं भी है तो भी ये चलता है, ठीक है। सो विच इज योर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फोर, प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट, द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो मोडाल था हमारा वो कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर, मस्ट, ठीक है। मोडाल के साथ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया क्या यूज होगा हमारा, प्लस माइनस बी हो, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या सेंटेंस में गिवन है। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रीड्स, बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड। फेलिसिटेटेड का क्या मतलब होता है? फेलिसिटेटेड मतलब होता है उनको कुछ भी जो प्राइजेस वगैरह देने हो, ठीक है, उसे फेलिसिटेशन कहते हैं। तो हम आप ऑप्शंस को अपने पढ़ेंगे, दे विल हैव द विनर्स नाउ, दे विल फेलिसिटेट द विनर्स नाउ, यहाँ पे हैव बीन यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था अगर गिवन सेंटेंस में बीन यूज हो रहा है तो हम उसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे हमने हैव यूज ही नहीं किया है, हम कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हैव होना चाहिए था विच इज मिसिंग हियर, तो ये रॉन्ग है। दे हैव फेलिसिटेटेड द विनर्स बाय नाउ, दे हैव तो ठीक है, बट वेयर इज विल, विल भी होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होता है, और ये भी, दे विल हैव बीन फेलिसिटेटेड द विनर्स बाय नाउ। तो देखिए इन्होंने ऑब्जेक्ट और उसको सब्जेक्ट को तो चेंज कर लिया परफेक्टली, लेकिन हैव बीन को इन्होंने माइनस नहीं किया है, जो कि यहाँ पर हटना चाहिए था, ठीक है, ये भी हमारा एलिमिनेट होना है। आप देखिए आप ऑप्शन नंबर फोर्थ पे बस जाते हैं, विच रीड्स दे विल हैव फेलिसिटेटेड द विनर्स बाय नाउ, तो फिर आपको ये ऑप्शन राइट लग रहा है, या इट्स राइट ऑप्शन। देखिए आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी आपस में यहाँ पे इंटरचेंज हुए हुए हैं, और दूसरा यहाँ पे विल हैव तो यूज होगा ही होगा, और इन्होंने बिन को भी क्या किया है, हटाया हुआ है,
which option you are left with? Option number 4th, and which is also your right answer. They will have felicitated the winners by now. The tense is in future perfect tense. By now, winners will have been felicitated by them. Our last question for today. Open the window. Open the window and let the air and the freshness come in. ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ. राइट, अब आपने पढ़ लिया, आपने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए. ऑप्शन नंबर 1, ओपन द विंडो. द कहाँ है यहाँ पर? एक तो आपने सारा सेम वही लिख दिया, ऊपर से सारा भी नहीं लिखा, एलिमिनेटेड. समवन ओपन्स द विंडो. देखिए आप, मतलब ओपन द विंडो को लिखा है समवन ओपन्स. अब देखिए आप, रियल एसेंस ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, हट गया ना. ओपन द विंडो मतलब आप किसी को बोल रहे हैं कि प्लीज खोल दीजिए, कुछ ऐसा है. लेकिन इसमें क्या है कि किसी ने खोल दी है विंडो, सो एलिमिनेटेड. विंडो इज ओपन्ड, अपने आप थोड़ी ना हो गई है, कोई भूतिया हरकत है क्या? तो ये भी एलिमिनेट होती है. लेट द विंडो बी ओपन, खोल दीजिए विंडोज को. तो ये है हमारा राइट ऑप्शन. ये बहुत इजी है राइट ऑप्शन पे आना, लेकिन चीज़ों को एलिमिनेट करना है आपने, तो आपको हर एक छोटी चीज़ को पकड़ना होगा. राइट, सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज 4th, लेट द विंडो बी ओपन. तो ये किस तरीके का टेंस था? इट वॉज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. और अगर आज आपने पहली बार हमारी वीडियो यहाँ पर देखी है, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स एक्सेस. और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, या फिर कुछ और आप मेरी लैंग्वेज में, या द वे आई एम टीचिंग यू, आप किसी भी तरीके से चाहते हैं कि मैं आपको इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से बताएं कि मैं आपके लिए क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती. आगो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स एक्सेस. तो फिर हम कल मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू बी अ गुड ह्यूमन. आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों की बहुत कमी हो रही है आजकल. सो इट्स अ टाइम टू साइन ऑफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी हियर. थैंक यू सो मच.